hands. And then, बांग्लादेश में पिछले दो महीने से जारी आरक्षण विरोधी हिंसक आंदोलन सोमवार को और उग्र हो गया, जिसके बाद तख्ता पलट हो गया। सेना की ओर से कहा गया कि अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा। हजारों प्रदर्शनकारियों ने सैन्य कर्फ्यू का उल्लंघन करते हुए प्रधानमंत्री शेख हसीना के सरकारी आवास पर धावा बोल दिया। प्रदर्शनकारियों ने हिंदू मंदिरों को भी निशाना बनाया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बांग्लादेश के खुलना डिवीजन में स्थित मेहरपुर में एक इस्कॉन मंदिर में तोड़फोड़ की गई। प्रदर्शनकारियों ने यहां आग लगा दी। इस्कॉन मंदिर पर हमला किया गया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रिया आई। पिछले 24 घंटों में बांग्लादेश में कई हिंदू मंदिरों को निशाना बनाया गया है। इस्कॉन के प्रवक्ता युधिष्ठिर गोविंद दास ने घटना की पुष्टि की है। उन्होंने कहा है कि मुझे जो जानकारी मिली है उसके अनुसार मेहरपुर में हमारे एक इस्कॉन केंद्र पर हमला किया गया। यहां भगवान जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा देवी की मूर्तियों को तोड़ा गया। मंदिर में आग लगा दी गई। केंद्र में रहने वाले 3 भक्त किसी तरह से भागने में सफल रहे। शेख हसीना के सत्ता से बेदखल होने के बाद बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की स्थिति और भी खराब हो गई है। हिंदू मंदिरों पर हमले हो रहे हैं। देश भर में कम से कम 4 हिंदू मंदिरों को नुकसान पहुँचाया गया है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बांग्लादेश की राजधानी ढाका के धान मंडी इलाके में स्थित इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र और बंगबंधु स्मारक संग्रहालय को एक उपद्रवी भीड़ ने क्षतिग्रस्त कर दिया। मंदिरों पर हमलों के अलावा ढाका के धान मंडी इलाके में स्थित भारतीय सांस्कृतिक केंद्र, इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र को भी एक अनियंत्रित भीड़ ने तोड़फोड़ कर दी। ये केंद्र भारत और बांग्लादेश के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देता है, लेकिन अब ये इस हिंसा में क्षतिग्रस्त हो चुका है। सरकार विरोधी प्रदर्शन जो सिविल सेवा नौकरियों के लिए कोटा प्रणाली को समाप्त करने की मांग से शुरू हुआ था, शेख हसीना के इस्तीफे की मांग में बदल गया। प्रदर्शनकारियों और आवामी लीग पार्टी के समर्थकों के बीच हिंसक झड़पों में सैकड़ों लोग मारे गए। हसीना के इस्तीफे के बाद बांग्लादेश में धार्मिक अल्पसंख्यकों की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। चल रही अशांति के बीच हिंदू मंदिरों पर हमले बढ़ गए हैं। हिंदू बौद्ध ईसाई एकता परिषद के नेता काजोल देवनाथ ने भी पीटीआई को बताया कि सोमवार को कम से कम 4 हिंदू मंदिरों को निशाना बनाया गया और उन्हें मामूली नुकसान पहुंचा। बांग्लादेश के हालात अब पाकिस्तान की तरह होते जा रहे हैं, जहां हिंदुओं को टारगेट किया जाना आम बात हो चुकी है। वे या तो कन्वर्ट हो रहे हैं या जान गंवा रहे हैं। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद अब 1 करोड़ से ज्यादा हिंदू असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। पड़ोसी देश की आबादी करीब 18 करोड़ है और इसमें 91% मुसलमान रहते हैं। इस तरह से देखें तो 16 करोड़ मुस्लिम, 1.31 करोड़ हिंदू, 10 लाख बौद्ध, करीब 5 लाख ईसाई और अन्य रहते हैं। अब हिंदू मंदिरों, घरों और दुकानों पर हमले हो रहे हैं। वहां से कई हिंदुओं के खौफनाक वीडियो सोशल मीडिया पर आ रहे हैं। सवाल यह है कि अब उन्हें बचाएगा कौन?